गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ऑल चैनल। तो कल मैंने लॉन्ग ब्लॉग दिया नहीं, तो आज सोच रही थी क्या करूँ। तो डॉल तो कुछ खा नहीं रही है, डॉल का थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो आज खीर बना रही हूँ डॉल के लिए। तो चलिए देखते हैं खीर कैसे बनता है। बेबी के लिए बना रही हूँ, सब खा सकते हैं। ये है चावल, चीनी, ये कॉन्ट्रेस मिल्क है, और ड्राई फ्रूट दिया है मैंने, और मिल्क ताज़ा का ही दिया है। 1 लीटर मिल्क में ही बनाऊँगी, थोड़ा सा चावल का छोटा जो कप होता है वो उससे 1 कप आप चावल ले लीजिएगा, और चीनी भी वही हिसाब से लीजिएगा। तो दूध उबालने के लिए बैठा दिया है मैंने, अच्छे से उबाल लेंगे दूध को, नहीं तो पहले अगर चावल दे देंगे तो फट जाएगा। तो अभी दूध उबल चुका है अच्छे से, तो अभी चावल दे देंगे दूध में। तो चावल डाल दिया था मैंने, अभी ड्राई फ्रूट दे देंगे, ये काजू किशमिश। किशमिश लास्ट में दूंगी क्योंकि फट भी सकता, खट्टा हो जा हो सकता है इसीलिए। तो ड्राई फ्रूट देने के बाद अभी देंगे ये कॉन्ट्रेस मिल्क देंगे, एक ऐसे अच्छे से हिलाएंगे, क्योंकि अगर अभी नहीं हिलाए तो नीचे लग जाएगा। कॉन्ट्रेस मिल्क में बहुत ज़्यादा मीठा भी, और इसमें शुगर ऑलरेडी होता ही है, तो शुगर देंगे एकदम सबसे लास्ट में, क्योंकि शुगर देने से ये नीचे चिपक जाता है, इसीलिए अभी धीरे धीरे पकाएंगे। चावल पकने के बाद ही हम लोग चीनी डालेंगे। तो अभी धीरे धीरे पक रहा है खीर, और डॉल की तबीयत ख़राब हुआ है या बोल रही थी मैं, थोड़ा सा ये मुझे आई फ्लू हुआ था तो बेबी को भी लग गया, इसकी वजह से कल डॉक्टर के पास भी लेके गए थे। अभी फ़िलहाल ठीक है, परसों रात को हुआ था तो कल डॉक्टर दिखा दिया, तो आज ठीक ही है। अभी तो एक दिन नहीं जाता रहता है, और उससे ज़्यादा रहता नहीं है। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, पिलाने वाला मेडिसिन भी दिया मुझे, तो वही कर रही हूँ। कल सर के पास लेके गई थी, और कल मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई, वैसे मैं ब्लॉग बनाई भी थी पर उसे वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई, क्योंकि डॉल बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी हो गया था, आँख खुजली कर कर आँख पूरा फूल गया था उसका, तो उसके वजह से उसे शायद कुछ चीज़ से एलर्जी भी हो गया था। कल हम लोग दो बार गए हॉस्पिटल, तो मैंने ब्लॉग बना के रखा है पर वो अभी नहीं दूंगी। डॉल और थोड़ा सा ठीक हो जाए उसके बाद वो ब्लॉग मैं शेयर करूँगी आप सबसे। तो ये देखिए राइस पक चुका है, तो अभी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए पक चुका है राइस, राइस पक गया तो पूरा काला हो गया। अभी धीरे से शुगर को दे देंगे हम लोग, और थोड़ा पकने के बाद खिलाते रहना है, नहीं तो लग जाएगा। कॉन्ट्रेस मिल्क दिया हुआ है इसलिए ठीक बन रहा। देखिए आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं, अभी चीनी देखिए और 5 मिनट उबलने के बाद भी इसको स्टॉप कर सकते हैं, बट हम लोग के यहाँ इतना पतला खीर नहीं खाया जाता है। फिर से पकने के लिए छोड़ दिया मैंने, देखिए उबाल, हाँ मैंने गैस स्लो कर दिया, एकदम स्लो किया हुआ है। देख ले रही हूँ नीचे लग सकता है। खीर को हमेशा बैठाने के बाद खीर के पास ही रहना है, क्योंकि पता नहीं कब खीर को गुस्सा आ जाए और वो जल जाए। खीर ऐसे ही होता है, चाय दूध खीर ये सब पकाने के टाइम हमेशा किचन में रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा चाय गुस्सा करती है, उसके बाद दूध को गुस्सा आता है, और उसके बाद खीर। ये देखिए चीनी दे दिया मैंने, अभी चीनी देने का साथ साथ नहीं उतारना है, क्योंकि अभी पूरा पानी छोड़ देगा, चीनी में जो पानी है वो पूरा आ जाएगा और खीर पूरा पतला हो जाएगा। अभी इसे और थोड़ा देर पकाना है, चीनी देने के बाद 10 मिनट्स तक पकाना है, 10 से 15 मिनट्स। ये देखिए पूरा पक चुका है खीर, देन हमारा खीर हो चुका है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कैसा बनाए कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फर्स्ट डॉल को खिलाऊंगी, तो डॉल के लिए निकाल लें, देन व्यूअर्स हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। लव यू ऑल, बाय बाय। हाँ क्या।